हेलो फ्रेंड्स, रेशम ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एग बिरयानी। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग बिरयानी बनाना। एग बिरयानी बनाने के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, 2 प्याज काट लिए हैं, 2 टमाटर, धनिया की पत्ती, थोड़े से गरम मसाले, खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता और हरी मिर्च, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। 4 अंडे जो मैंने लिए हैं वो बॉईल करके छील लिए हैं। छील के यहाँ पे 4 अंडे मैंने रखे हैं और अब कुकर गरम करने के लिए यहाँ पे रख दिया है। तो कुकर गरम हो जा रहा है तो इसमें तेल डालेंगे। यहाँ पे आधी कटोरी के करीब तेल लिया है मैंने। ये 2 चुटकी हल्दी है, ये मैं अंडे के ऊपर डाल दूँगी और इसे मिला लूँगी। देखिए इसे मिला लेते हैं। अब अंडे में थोड़ा छेद कर देती हूँ ताकि ये चटके ना। चारों तरफ छेद कर देंगे। इसी तरह चारों तरफ करेंगे। तो चलिए अब डालते हैं तेल इसमें। गैस का फ्लेम तेज रखेंगे ताकि तेल गर्म हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें अंडे डाल देंगे। चारों अंडे इसमें डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे गैस रखा मैंने और इसे चलाइए। फिर हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए हो रहा है अंडा। तो देखिए अंडा फ्राई हो चुका है, अभी से हम निकाल लेंगे। इसमें ऑयल बचा हुआ है, इसमें हम 2 तेज पत्ता डाल देते हैं। ये जो खड़ा गरम मसाला है इसे डाल देते हैं। देखिए चटकने लगा। अब इसमें डाल देते हैं ये प्याज। 2 प्याज मैंने काट के रखा है, इसे डाल दें। इसे अच्छे तरीके से चला लीजिए। प्याज को हल्का सा भूजेंगे। प्याज हो रहा है अभी, इसे 1 मिनट तक चलाएंगे। 1 से 2 मिनट प्याज को रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। मैं कुकर में बिरयानी बना रही हूँ आज। प्याज हो गया है, प्याज को इतना ही भूनेंगे। ये देखिए प्याज हो गया है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट रहने देंगे। ये टमाटर मैंने जो 2 टमाटर काटे थे इसे डाल देती हूँ। टमाटर डाल के इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि टमाटर गल जाए इसमें। टमाटर डाल दिया है, इसे मीडियम फ्लेम पे रख के 1 मिनट तक छोड़ देते हैं। मैंने अच्छी तरीके से चला लिया है, अब इसे ढक देते हैं मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद देखते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। इसमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे अच्छे तरीके से चला लेते हैं। फिर इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख के छोड़ देंगे। इसे मैंने अच्छे तरीके से चला लिया है। तो चलिए 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे रख के।
यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं। ढक्कन हटाते हैं तो ये देखिए 1 मिनट तक मैंने रखा था इसे। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला डालेंगे, 2 चम्मच के करीब इसमें पानी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच पानी डाल के इसे पहले अच्छे से मिला लेते हैं, इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो 1 मिनट हम मसाले को ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, ढक के छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं, देखिए मसाला हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दही, दही डालते समय फ्लेम लो रखेंगे, तो मैंने फ्लेम लो कर दिया है, दही डाल देंगे पूरा। देखिए दही डाल के इसे अच्छे से मिला लीजिए, अच्छी तरीके से फ्लेम लो रखिए। दही डालने के बाद से कलर कितना अच्छा आ गया है। अब इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट ढक के छोड़ देते हैं, 1 मिनट छोड़ेंगे लो फ्लेम पे। तो 1 मिनट हो गया है, अब ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तेल छोड़ने लगा है मसाला। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए जितना ज़रूरत हो। इसे नमक डाल के अच्छे तरीके से चला लिए। मसाला देखिए हम लोग का हो चुका है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चावल, पूरा चावल नहीं डालेंगे, आधा चावल डालेंगे। ये चावल हम डाल रहे हैं इसमें, पूरा चावल नहीं डालेंगे, ये आधा चावल लेंगे हम इसमें डालेंगे और इसे ऐसे फैला लेते हैं। ये देखिए इसे अच्छी तरीके से फैला लेते हैं चारों तरफ। अब इसमें हम ऊपर से इसे मिला लीजिए, इसे मिला लेते हैं, फ्लेम लो रखिए। अब इसमें ऊपर से हम डालेंगे ये अंडा जो फ्राई किया था, अच्छी तरीके से इसे सजा लीजिए चारों तरफ से, इसे डाल दीजिए। उसके बाद ये धनिया से डेकोरेट कर देते हैं थोड़ा। धनिया से डेकोरेट, इसमें मिर्च ऊपर से डाल लेते हैं, इस तरह से काट के मिर्च डाल देंगे ऊपर से। अब और जो चावल बचे थे उसे ऊपर से डाल लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से डाल लेंगे चावल ऊपर से डाल के, इसे अच्छी तरीके से फैला दीजिए, इसमें फैला दीजिए। ऊपर से थोड़ा गरम मसाला पाउडर छिड़क देते हैं, ये देखिए थोड़ा गरम मसाला पाउडर। और ये है शाही बिरयानी मसाला, इसे डाल के हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मसाले में मैंने डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1/2 कटोरी के करीब पानी डालेंगे ऊपर से, किनारे से डालिए पानी और इसे बंद कर देते हैं। अब इसे बंद कर देते हैं और इसे सीटी आने तक इसका वेट करेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। ये देखिए कुकर सीटी देने लगा है, 1 सीटी दिलाएंगे और इसे बंद कर देंगे। अब हम खोलते हैं, देखते हैं, बिरयानी बहुत अच्छे से हो गया है। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसे अच्छे से निकाल लीजिए।
तो यहाँ मैंने बनाई है 4 अंडे की बिरयानी। देखिए लुक वाइज ये कितना अच्छा लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसा बना है बिरयानी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे डेकोरेट कर देते हैं थोड़ा सा धनिया की। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए इसे डेकोरेट कर देंगे। तो देखिए एग बिरयानी तैयार है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।